Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Baby Health Guide. This is Bhavya here. तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवजात शिशु को कौन से महीने से पानी पिलाना शुरू करना चाहिए। पर इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस डेली देख सकें। कई बार नई माओं को ये उलझन रहती है कि नवजात शिशु को पानी पिलाएं या नहीं। तो आइए जानते हैं इस बारे में कि नवजात शिशु को पानी कब पिलाना शुरू करना चाहिए। बच्चे की देखभाल के बारे में अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों द्वारा दी जाने वाली राय से आप परेशान और कंफ्यूज होंगी। यह राय सबकी अलग अलग हो सकती है। पहली बार माँ बनी महिलाएं इससे भ्रमित हो सकती है। इन सब में सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का होता है कि नवजात को पानी पीना कब शुरू कर सकते हैं। बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी देना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि गर्मी के मौसम में भी आपका बच्चा आपके दूध से पानी की कमी दूर कर लेता है। आपके दूध में 88% पानी होता है जो आपके बच्चे के लिए उपयुक्त है, फिर मौसम चाहे कैसा भी हो। 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी देना उसे कई तरह नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चे को पानी का नशा होना और पोषण ना मिलना हो सकता है। जब उसका पेट भरा होगा तो वो माँ का दूध नहीं पिएगा, क्योंकि उसे भूख तो लगेगी नहीं। ध्यान रखें कि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, ये केवल आपके दूध से भर जाएगा। इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या नवजात बच्चे को दूध कब पिलाना चाहिए। नवजात इस समय स्तन का दूध पर्याप्त है। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों में माँ के स्तन से कोलोस्ट्रम गाढ़ा दूध निकलता है, वह उसे हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त है। आप जितना दूध पिलाएंगी उतना ही दूध पैदा होगा, इससे बच्चे को पानी भी ज्यादा मिलेगा। 1 दिन से 3 महीने, बच्चों को जन्म के 3 माह तक पानी नहीं पिलाना चाहिए। ज्यादा पानी पिलाने से ओरल वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है और यह बच्चे के दिमाग और हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा पानी से बच्चे का पेट भी भर जाएगा और वह दूध नहीं पिएगा। 4 से 6 महीने, इस समय पानी पिलाना नुकसानकारी नहीं है, लेकिन इस समय भी इसकी सलाह नहीं दी जाती। स्तन के दूध से इसकी पूर्ति हो जाएगी, दूध से पोषण भी मिल जाता है, प्यास और भूख भी मिट जाती है। फिर भी दूध पीने वाले बच्चे को गर्मी के दिनों में थोड़ा पानी पिलाया जा सकता है। 6 महीने से ज्यादा बड़े, 6 महीने से बड़े बच्चे को दिन में कई बार पानी पिलाना अच्छा है। जब बच्चा थोड़ा सॉलिड फूड लेना शुरू करता है तो दूध और पानी सॉलिड फूड के साथ थोड़ा दिया जा सकता है, लेकिन 6 महीने तक के बच्चे को स्तनपान करवाना सही है। 6 महीने से कम के बच्चे को पानी पिलाने के नुकसान। जब आपको पता चल गया है कि बच्चे को पानी कब पिलाएं, तो इन बातों को ध्यान रखें। बच्चे को ज्यादा पानी पिलाने से उसे दूध और बेबी फीड का पोषण ठीक तरह से नहीं मिलेगा। जब बच्चे का फीड बनाए तो उस पर लिखे निर्देश ध्यान से पढ़ें और बताई गई पानी की मात्रा ही डालें। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना कि नवजात शिशु को कौन से महीने से पानी पिलाना शुरू करना चाहिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। Thank you.